मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील के गांव असावती में नवनिर्मित श्री राधा कृष्ण मंदिर व शीतला माता मंदिर श्री शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कलश रोहण को लेकर असावती नगर में 5 दिवसीय एकादश कुंडात्मक महायज्ञ एवं ब्राह्मण कन्या विवाह के आयोजन चल रहे थे, जिसमें 25 जनवरी से 11 कुंडी महायज्ञ 46 जोड़े का हवन किया जा रहा था, जिसमें नवनिर्मित कृष्ण शिव व शीतला माता मूर्ति स्थापना कलश स्थापना उद्यापन हुआ। बुधवार शाम को नगर में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नगर के भक्तगण भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। नगर में भगवान के स्वागत के लिए हर घर पर दीपक जलाए गए, वहीं रंगोलियां भी बनाई गई। नगर में दीपावली जैसा माहौल नजर आया। महायज्ञ में सभी जोड़ों द्वारा सुबह 6 बजे से मंत्रोच्चारण के साथ 9 बजे महामूर्ति की स्थापना मंदिर में की गई। इस आयोजन में भानेज ब्राह्मण कन्या याचना पिता बंसीलाल तिवारी का विवाह किया गया। वो उसके बाद महाप्रसादी भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें 4000 की संख्या में भक्तों ने भंडारे में भोजन किया। शामगढ़ से संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरा सौभाग्य कि इन्होंने हमारे जोड़े को चुना है विवाह के लिए। एक तरफ जहाँ राधा कृष्ण भगवान की मंदिर में प्रतिमा है विराजमान की गई, एक तरफ आपके जोड़े को चेंज किया गया गांव में, तो क्या है कि आपने समाज को नया संदेश देना चाहते हो? इन्होंने अच्छा धर्म का काम किया है और ये तो उनकी भावना है जो उन्होंने ऐसा कार्य किया है याचना। और श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति स्थापना करिए और शिव परिवार भी है इसमें, कार्तिक जी है, गणेश जी है, शिव जी है, सभी का ये हुआ। और कितने दिनों से चल रहा है? 6 दिन हो गए आज जल यात्रा, इसमें सभी तरह के पहाड़ शोभा यात्रा निकली। भगवान की मूर्ति है अभिषेक करने के बाद में उसकी गांव में शोभा यात्रा निकाली, सभी कार्यक्रम हुआ है। करीबन मेरा अनुमान है 4000 के। कन्या का विवाह भी इसी समिति की ओर से, जो यज्ञ की समिति है इसी में सभी ने प्रस्ताव लिया कि एक ब्राह्मण कन्या का विवाह हो जाए, तो मोतीलाल जी व्यास जिसकी लड़की अमरिया बैडिया ग्राम अमरिया बैडिया के वहाँ उनकी बाने लड़की की लड़की और दत्तुरिया से बारात आई राजस्थान माता, वो क्या था साहब कि एक गरीब परिवार से, गरीब नहीं गरीब से गरीब, जैसे कि वो उसकी लड़की की जो माँ है उसके ऐसा वादी का रोग है जन्म से ही, तो क्या बीमारी में उसके पैसा, इसलिए सभी ग्रामवासी समिति के लोगों ने सोचा कि इसी तरफ से तो यज्ञ में उनकी शादी हो जाएगा, तो अपन को भी पुण्य लगेगा और उनको भी सहयोग मिलेगा। भाई भी कौन सगा भाई उसका, इन चार बाली चार लड़कियां उनके गरीब परिवार से भी है वो। इस प्रकार के जो कार्यक्रम में जो होते हैं, इनमें जो कन्याओं का विवाह जो होता है तो कितना अच्छा मानते हो? कन्या का हुआ तो इतना महत्व है, महादान, कन्या का एक महादान की शरीर में आता है, तो फिर यज्ञ से भी बढ़ के होता है कन्यादान, तो महादान है, जिसमें मैं बता दूं आपको कन्यादान के अंदर इसमें सोना दान हो जाता है, वस्त्र दान हो जाता है, अन्न दान हो जाता है, सभी प्रकार के दान होते, इसलिए इसको कन्यादान को महादान किया है। नेपाल सिंह चौहान साहब।